देख सकते हैं सरसों पीसा जा रहा है, क्योंकि आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन के दिन बुकवा लगाया जाता है। हम लोग के इधर बुकवा बोलते हैं दोस्तों, इसको हाथ पैर में लगाते हैं और लगाने के बाद जो उसका निकलता है, क्या निकलता है जो भी महिल क्या बोलते हैं, जो छूटेगा जो छुड़ा के, हाँ साल की गंदगी एक दिन में जाता है। हाँ तो वो जहाँ होलिका दहन होता है दोस्तों, वहाँ पे मतलब डाल देते हैं, बुकवा लगाए के मल के निकाला जाता तो आज के दिन दोस्तों जरूर, मतलब हम लोग के गांव में आज के दिन जरूर बुकवा लगता है सभी को, तो इसलिए बच्ची पीस रही हैं। और देखिए कितनी स्पीड में पीसा जा रहा है, ऐसे लगता है कि हर रोज पीसा जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये सील पे पीसती है ना दोस्तों, तो इनके हाथों में जो छाले पड़ जाते हैं, दिखा भी दी दोस्तों। ये भी पिसवाने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए इधर देखिए लाइन से। गुड मॉर्निंग दोस्तों और हैप्पी होली आप सभी को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों यहाँ पे सुबह का खाना हम लोग का बन चुका है, और आज सुबह में खाने में बना है चिकन है दोस्तों, और चावल है, रोटी है, और पापड़ है दोस्तों, सलाद है और ठंडा है, तो आज हम लोग यही खा रहे हैं दोस्तों। तो वैसे तो फिलहाल दोस्तों हमारे हस्बैंड जी को जो है मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा उनको पसंद नहीं, उनको ज़्यादा सादा खाना ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे भी दोस्तों चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी ननद जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो और कुछ नहीं खाती हैं ज़्यादा तो। हाँ दोस्तों, और हमारी लाडो तो बहुत ही पसंद करती है, वो बहुत मन से खाती है, तो बस यही हम लोग खा पी लेंगे दोस्तों। तो फिर पोछा लगाएंगे दोस्तों, अभी पोछा नहीं लगा है घर में, और हस्बैंड जी मना भी किए कि अभी पोछा मत लगाओ, क्योंकि अभी तो गंदा होगा ही, लोग आएंगे जाएंगे तो गंदा होगा, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि अभी पोछा मत लगा, इसलिए हम लोग पोछा अभी नहीं लगाए हैं। और बस यही जो हम लोग खा लेंगे तो बर्तन धोना रहेगा, और फिलहाल सारा काम करीब हो ही चुका है, और नहाएंगे भी तो दोस्तों शाम को ही नहाएंगे, आज जल्दी नहीं नहाएंगे, तो और कोई काम है ही नहीं इसके सिवा। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे देखिए मामा बहनें जो है खा पी के यहाँ पे देखिए होली खेल रहे हैं दोनों लोग। मम्मी को और दोस्तों रात में यहाँ पे हवा बहुत तेजी से चल रहा था, और थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है, तो मतलब से टेरिस जो है बहुत गंदा हो गया है, तो इसको आज हम लोग पानी से डाल के खूब अच्छे से साफ भी करेंगे, तो बस काम आज थोड़ा है, ज़्यादा काम है। और देखिए हमारे हस्बैंड जी कितने खुश लग रहे हैं। और दोस्तों और मैं अभी तक इनके साथ, इतना दिन हो गया है शादी हुए हुए, लेकिन अभी तक इनके साथ मैं अभी होली नहीं खेली हूँ, तो ये बहुत जिद कर रहे हैं कि नहीं इस बार खेलना। ए, ए, वासी, मम्मी को मम्मी को मम्मी को मम्मी को पोछ, मम्मी को पोछ, तो बैठो बैठो, लगा लो मम्मी गाल पे, लगा मम्मी की गाल पे गाल पे गाल पे, ये ये गल पे, इस गल पे, इस गल पे, इस गल पे, इधर 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 इधर, अब हम पोतवाई लगा लगा, हाँ ये खेले।
उड़ के देखे हाथ तीसरे देखे खूब पोत दे लेला आपन चेहरा देख ले मम्मी दिया लिया ली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी ननद को रंग कलर लगा रही दोस्तों, इसलिए लगा रही कि ये मुझे दो दिन से परेशान करके रखी पिचकारी से मार मार के, मेरे ऊपर पिचकारी मार रही है बार बार और दो दिन से कलर लगा रही हैं। तो मैं सोची कि रुको इनको आज लपेट ही लेती हूँ। तो माँ बेटी को दोनों जन को अच्छे से लगा दी। और दोस्तों सच में मैं अभी आज तक इतना दिन हो गया है शादी के, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी होली नहीं खेली हूँ, ना ही वो ही मेरे साथ खेले। तो उनको बहुत नाराज रहते इस बात को लेकर। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं मतलब से मुझे बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता दोस्तों खेलना, कलर लगाना, माँ इधर उधर पोतना। हाँ, पर दूसरों को खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस बार मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा बोलते हैं, इस बार तो लगाऊंगा चाहे जो हो जाए, मैं चलो ठीक है देखती हूँ। तो इस बार अपने हस्बैंड जी के साथ कलर खेलूंगी। जब ननद के साथ खेल रही हूँ तो उनके साथ तो खेलना ही पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों अभी तक जब से होश आ रही तब तक किसी के साथ भी मैंने होली नहीं खेला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हस्बैंड जबरदस्ती लगा रहे हैं, तो मेरी लाडू कितना खुश हो रही है, उसको कितना अच्छा लग रहा है, बहुत हंस रही है देख देख के। और उसको हंसाने के लिए मेरे हस्बैंड और लगा रहे हैं कलर। ये हूँ देखा लाल को हमारा चढ़ी बन चढ़ी बन। और यहाँ पे दोस्तों मेरे हस्बैंड जो अपने लंबाई का फायदा उठा रहे हैं, मेरी हाइट कम है इसलिए तो मैं उनको पा नहीं सकती दोस्तों। तो उसके समझ लीजिए कि अपने लंबाई का कितना फायदा उठाए। बस अबे रुका दिखा रे और यहाँ पे दोस्तों मैं सोच रही थी कि थोड़ा ननद को भिगा के थोड़ा सा खेला जाए, क्योंकि दोस्तों अभी टेरी जो हमें साफ भी करना है और तो थोड़ा मस्ती करके ही साफ करते हैं। अभी बर्तन भी पड़ा है दोस्तों, उसको भी धोना है और जो इधर उधर सामान दिख रहा है दोस्तों उसको इग्नोर करिएगा। और दोस्तों अगले साल जो हमने होली का वीडियो डाला था तो आप लोग बहुत प्यार दिए, आशीर्वाद दिए दोस्तों उस वीडियो को। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को भी आप लोग खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए हमें भी।
यहाँ पे हम दोनों खेल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए लाडू कितना खुश हो रही है, उसे बहुत मजा आ रहा है, वो तो हम लोगों को जाए तो वही इंजॉय कर रही है। तो सच में आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया खेलने में। और दोस्तों आप लोग प्लीज दोस्तों पानी ज़्यादा बर्बाद ना करें, और हम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करें दोस्तों, क्योंकि इसको धोना था दोस्तों इसलिए खेल रहे हैं, अगर ये धोना नहीं रहता तो पानी से बिल्कुल नहीं खेलते, तो कृपया आप लोग पानी बर्बाद ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो का यही एंड करते हैं, और आप लोग अपने अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखें दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।